फिलहाल तो सुकांत सिंह को हावी रहेंगे क्योंकि व्हाइट बॉल आएगा और भैया कटे हुए घाव में नमक भी छिड़केगा क्योंकि तोहफे के रूप में चार रन भी जोड़ा जाएगा। गलत शॉट अच्छा है लेकिन पीछे पे एक है। कसम का ये बल्लेबाज है भैया, कहीं पे निगाह है कहीं पर निशाना। पहले सोचा था कि ऑफसाइड में खेलूंगा, अंतिम समय में अपने आंखों को थोड़ा सा हराया, मन को बदला, भेजा चौका। मैच सेकंड राउंड सेकंड मैच सुकांत सिंह को भैया, दिन का शुरुआत हो या फिर मैच का, दो बड़े नाम आमने सामने, कौन किसके ऊपर हावी रहेगा। फिलहाल तो सुकांत सिंह को हावी रहेंगे क्योंकि व्हाइट बॉल आएगा और भैया कटे हुए घाव में नमक भी छिड़केगा क्योंकि तोहफे के रूप में चार रन भी जोड़ा जाएगा। सिंह को कहेंगे मुझे तोहफा कबूल है। गलत शॉट अच्छा है लेकिन पीछे पैर एक है। मैच वर गेंदबाज बड़े मुकाबला में खेलने का एक्सपीरियंस। वसील का प्रयास विकेट के पीछे बहुत ही शानदार कीपिंग और इस टीम के ऊपर भी अपनी नजर रखना होगा। टी गजब का ये बल्लेबाज है भैया, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। पहले सोचा था कि ऑफसाइड में खेलूंगा, अंतिम समय में अपने आंखों को थोड़ा सा हटाया, मन को बदला, भेजा चौका। यार का डिलीवरी इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, स्लो ओवर में हो या फिर शुरुआती ओवर में, इस तरह ये शॉट कड़क है और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में लैंड किया है। अरे रिसु साहब, जब जब तूने किया है अपने काबिलियत पे विश्वास, हर बार तूने रचा है नया इतिहास। मेरा चौका फिर एक बार जोखन आज आज 18 ओवर में गेंदबाजी में सुकांत जिंकू, लेकिन फील्डिंग देखिए भाई साहब, ये क्रिकेट है जनाब, इस क्रिकेट के समर्पण करने के लिए तैयार हो, ये कहा है खिलाड़ी ने। उच्च कोटी का फील्डिंग यहाँ पे बेहतरीन से आज है। चौका लगा के रिसु ने बताया कि अभी भी इस बल्लेबाजी का कभी तो आप कहते हैं कि भैया जीत उनकी होती है जिनकी बाजुओं में दम होता है, इस बल्लेबाज का बाजुओं में दम है और कला। लेकिन अंजाम में अपने नाम के परचम को लहराए गए डॉट बॉल के साथ समाप्त। लेकिन भैया गति के साथ गेंद आई थी और गति के साथ उतनी ही दुगनी गति के साथ बाहर गई है। नाम इनका सुकांत झिंकू है, झिंकू की झलक सबसे अलग। मेरा चौका झिंकू, शॉट देखिए, अरे जनाब दिवाली मनाया रिसु ने लेकिन पटाखा फोड़ रहे हैं सुकांतो चिंकू। चिंकू झुकेगा नहीं, मिला चौका। चौका थप्पे कोने पर मौसी दी इधर मोदी निजेर बेस्ट समय माते समय बेर कोने चल और देर मूल मौसा लोगी तो बोल पे इधर मोदी आवाज़ सुबह बुस्त रहे चल और देर समानियों विधायक शा समानियों सी चिनिश टाइप का फिर एक बच्ची को सामने एक पाल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कमबैक करते हुए एक पाल दिया। फील्डिंग एक बार फील्डिंग देखिए भैया, इस खिलाड़ी में कुछ तो बात है, उसे न्यूटन का धार लोगों भी फेल किया है। गेंद इनके हाथ, चलिए धूप राउत अंकित गोस्वामी से शुरू करें, अमित गोस्वामी 720 शायद पॉल संजू सिंह सुकांत सिंह को समय को व्यतीत नहीं करेंगे भैया, मेरे बल्ले का आवाज सुनो, चौके की फरमान सुनो, तो चौका का फरमान आया है। इस बार देखिए अच्छी गेंद है, ये कमबैक वाली गेंद है, पहली गेंद पर चौका हजम किया था। तो फिर एक बार आएगी यहां पे चौथा, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास तकनीक है, मेरे पास टेम्परमेंट है। शॉट का डिलीवरी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास है, खोद के निकालने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से जड़ पे डाली गई। उसी बीच फिर एक बार कहा कि सामान्य गेंदबाजी इस ओवर में आओ, सगला गेंदबाजी खेला जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल भाव को मानना पड़ेगा, भाव के उंगलियों में जादू है। अंतिम ओवर में बल्लेबाज को रोक के रखने वाले सो पहली गेंद यहां पर अच्छे से लेग स्टंप के बाहर लाम देखा है इस पीछे ऊपर ये बार जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन वहां पे गजब का ये शॉट, उच्च कोटि का बल्लेबाजी, गेंद जाएगी सीधा सड़क पे भैया, सड़क पे कड़क और
की है भैया मिर्जापुर के गद्दी में कौन बैठेगा वो तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन फिलहाल यूनिटी कप के गद्दी में। लेकिन जाते जाते विकेट जरूर गिरेगा, लेकिन जो काम करना था जो कार्य करना था वो कार्य कर चुके हैं। गोपाल के लिए सिर्फ एक गेंद, लेकिन क्या यहाँ पे 400 के स्ट्राइक रेट के साथ मैदान को छोड़ेंगे? कौन कितना देर से बल्लेबाजी कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे गेंदबाज ने कहा है भैया रुको जरा सबर करो, सिर्फ बल्लेबाजी पे नहीं जरा गेंदबाजी पे भी तो नजर करो। अच्छी गेंदबाजी ओवर की समाप्ति। Turn it up, 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 turn it